नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुकाबला। आज से अयोध्या में एक महाउत्सव शुरू हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का टर्मिनल का उद्घाटन किया। अयोध्या धाम जंक्शन जाकर के इस नए बने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन उन्होंने किया। और आज से अयोध्या और दिव्य और अलौकिक नजर आएगी, तमाम आधुनिक साज सुविधाओं से लैस होकर आपको दिखाई देगी। तो ये तो अभी की तस्वीर है 30 दिसंबर की। अब सोचिए कि 22 जनवरी को क्या होगा, अब से लेकर 22 जनवरी तक क्या क्या होगा। बहुत सारे लोगों से अयोध्या में आज हमारे सहयोगियों की बात हुई, कई ने कहा कि ये तो त्रेता युग जैसी झलक हमको देखने को मिल रही है अयोध्या में। अयोध्या नगरी का ऐसा जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हो जाएगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और भगवान राम का जो मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है 22 जनवरी को, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो 500 बरस का इंतजार था। और ये जितना आम लोगों को मालूम है और शिद्दत से महसूस होता है, उसी शिद्दत से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या से इसका जिक्र किया। कहा कि बड़ा लंबा इंतजार जो है खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र अपील भी की पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से, कि 22 जनवरी के दिन अपने घर में भगवान राम के नाम का एक दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जग मगाहट के लिए जानी जाए हमेशा हमेशा। मील का पत्थर। उन्होंने यह भी कहा कि भारत भूमि पर आजादी के बाद इतना बड़ा काम होने जा रहा है, समूची दुनिया तक पहुंचा। लेकिन एक तरफ जहां ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, वहीं दूसरी ओर इस पर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है, जबरदस्त राजनीति। न्योते तमाम राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को दिए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर अभी यही नहीं तय कर पा रहे कि वो इस प्रोग्राम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहला फेज आज बहुत सारी बातें और सुनने को मिली कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, बीजेपी इसका 2024 के चुनाव में लाभ उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार अपनी तरफ से कह रही है कि हमारा कार्यक्रम नहीं है, भगवान राम में आस्था का दिन है, तो इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति और सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा देशवासियों से, और विपक्षी कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री को क्या नसीहत दी। प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है, हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है, अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। आला कमान को अगर न्योता भेजा गया है तो आला कमान न्योता को देखकर निर्णय लेंगे। जो निर्णय लेंगे वो हमको सबको मालूम रहेगा, आपको भी मालूम रहेगा। हमने सिर्फ बार बार एक ही बात कही है कि यहाँ पूरी आस्था के साथ, हम पूरे सम्मान के साथ, हम लोग सब इस पार्टी में या किसी भी दल में हो, किसी और पार्टी में हो, भगवान राम की आस्था को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उस
पर राजनीति ना हो, ये हमारी इच्छा है। अब वो माने ना माने, ये उनकी इच्छा है। तो राम के नाम पर क्या बीजेपी वोट मांग रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के मंदिर पर क्या राजनीति कर रहे हैं? विपक्ष क्या किसी दुविधा में है राम के नाम पर? इन सब सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, शलभमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। मलूक नागर जी सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नागर साहब का स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, अनुराग जी स्वागत आपका। वारिस पठान जी AIMIM से हमारे मेहमान हैं आज, वारिस जी स्वागत है। और विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। त्रिपाठी जी के पास सबसे पहले जाना चाहता हूँ। आपने सुना जो सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन था वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से था, भाई राम जी को चुनावी लड़वा दीजिए आप, बाकी सब तो आप लोगों ने कर लिया उनके नाम पर वोट मांगने के लिए। देखिए, जब ये दर्द उनका समझ में आता है सौरभ भाई, जब जाकर राम जी का नाम लेते लेते सत्ता में आते हैं और सत्ता पाने के बाद जाके राम द्रोहियों की गोद में बैठ जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं जो हमेशा कहते रहे कि भगवान राम काल्पनिक है, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जो ये कहते रहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो मंदिर की जगह कुछ और बना दो, तो आज जब इतना भव्य नजारा है, इतना विहंगम दृश्य है, तो ये बर्दाश्त कैसे हो रहा हो ये आप समझ सकते हैं? क्या तकलीफ है ये आप समझ सकते हैं? हम तो कह रहे हैं राजनीति कौन कर रहा है? आप देखिए, आपने अभी एक वर्जन सुनाया, आपने एक बाइट सुनाई, एक माता जी जो कि दिल्ली से अयोध्या की पहली उड़ान आई है, उससे जब वो लैंड की है अयोध्या में, आपने पूछा, हमने नहीं पूछा, आपने पूछा कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, क्या करने आई है? जो उन्होंने कहा यही इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है, और इस भावना को शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। आज अगर आपने देखा हो तो जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा था, जब वह निकल रहे थे, तो उसमें बाबरी मस्जिद की जो पैरोकारी करते थे वह भी फूल की वर्षा कर रहे थे, वह भी पुष्प की वर्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या का मतलब राम, अवध का मतलब राम, उत्तर प्रदेश का मतलब राम और कृष्ण। उनको पता है कि ठीक है हम कोर्ट में केस लड़ते रहे और कितना सहा है, 550 साल तक भगवान राम के भक्तों ने सहा है, क्या क्या नहीं सहा, गोलियां सही, लाठियां सही। आज ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नजारा है। एक तरफ जो राम भक्त हैं वो जय सिया राम कह रहे हैं, तो वहीं जो राम द्रोही हैं उनको जरूर तकलीफ हो रही होगी, उनके चेहरे बुझे हुए होंगे। जिनको आप राम द्रोही कह रहे हैं जो आपके विपक्ष में है, क्या दुविधा है उन लोगों की? दुविधा ये है कि आप देखिए सवाल पूछते थे और ये राम भक्तों से सवाल पूछते थे, सिर्फ हम ही से नहीं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हर एक राम भक्त बोल रहा है। अगर सौरभ जी पत्रकार के तौर पे यहाँ बैठे हैं, वो भी घर जाते होंगे, बोलते होंगे हाँ भाई 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज इस देश का 140 करोड़ राम भक्त इन राम द्रोहियों को जवाब देता है सौरभ भाई कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और 22 जनवरी की तारीख बताएंगे। अच्छा, कष्ट इस बात का है, पूरा प्रयास इन्होंने किया राम मंदिर न बन पाए, पूरा प्रयास किया कि वहां पर खून खराबा होता रहे, पूरा प्रयास किया कि भगवान राम को काल्पनिक साबित कर दें, लेकिन भगवान राम के अनुयायियों ने, राम के भक्तों ने 550 सालों तक प्रतीक्षा की है। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारी पीढ़ियां जी ठीक। मैं जरा बाकी साथी और पार्टियों से हमारे साथ हैं उनका रिएक्शन ले लूं। विनोद जी जुड़ गए, विनोद जी स्वागत है आपका भी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं भदौरिया साहब से। रामद्रोही आपको कह रहे हैं, मतलब वो तमाम विपक्ष के लोगों के लिए कह रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी जी, कोई दुविधा है या क्या आपको, या डर है कि बीजेपी इसका लाभ उठा लेगी, लाभ मिल जाएगा क्या चुनाव में? चलिए, जो बात मैं कहना चाहता था और शायद आपने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, यही तो कहना चाहते हैं ना आप भी, और बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं भाई क्या दिक्कत है भाई, प्रभु राम तो आस्था का विषय है, प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम तो सबके हैं, प्रभु राम की आराधना तो सभी लोग करते हैं, जब से पैदा हुआ है हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातनी है वो प्रभु राम को मानता है, प्रभु राम के आचरण को अपनाता है, प्रभु राम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है हिंदुस्तान की, लेकिन आप उनको मानते कहां हो? इसलिए मैं कहता हूं आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम भक्त होते तो कम से कम उनके आचरण को अपनाते। आप न्याय राज की बात करते, राम राज मतलब होता है न्याय राज, न्याय राज की तो आप बात करते नहीं है। आप अन्याय राज जरूर आपने पूरे देश में फैला रखा है, किस तरह से आप विपक्षियों पे हमलावर होते हैं, भाई जो विपक्षी वो भी राम को, वो भी तो प्रभु राम के बच्चे हैं, लेकिन विपक्षियों आप किस तरह हमलावर हो जाते हो, किस तरह से आप उनके ऊपर में, आपने देखा होगा किस तरह से झूठे मुकदमे भी लाद देते हो आप, राजनीति उसका राजनीतिकरण कैसे आप कर देते हो, आपने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग बुला रहे हैं, अरे आप कौन होते, भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार थोड़ी प्रभु राम की कि आप निमंत्रण देंगे, अरे प्रभु राम बुलाएंगे सभी लोग जाएंगे, आपको हो सकता है कि आप दीपक जलाने की बात, हम लोग तो रोज प्रभु राम की पूजा करते हैं, सुबह उठ के ही दीपक जलाते हैं, रोज दिवाली मनाते हैं प्रभु राम के नाम की, रोज हम लोग सुबह उठते हैं तो हर हर घर में सनातनी जो होगा उसके हर घर में छोटा मंदिर मिलेगा, हर घर में मिलेगा, और हर घर में सुबह उठ के आदमी नहा धो के पूजा करता है, उसके बाद दीपक जलाता है और घर के बाहर जाता है अपना कामकाज के लिए, लेकिन हम उसको राजनीतिक विषय नहीं बनाते।
और हम रोज, मैंने कहा ना हर मंदिर अपने घर में रोज रोज दीपक जलाते हैं, लेकिन सवाल है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अनुराग जी, एक बात हम लोग पहले क्लियर कर लें तो हमको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ये वो ये कि राम, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या का पूरा विषय राजनीति से, राजनीति उसमें हुई, राजनीति उसमें हो रही है, राजनीति उसमें होती रहेगी। कोई आप कह लें, ये कह लें त्रिपाठी जी की पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, कहने की बातें हैं साहब। वो आपसे, आपके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि आप वहां खड़े हैं जिन लोगों ने तमाम की राम का मंदिर ना बने अयोध्या में, इसके लिए प्रयास किए। आप वो पार्टी हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, आज उस बात का उत्तर चाहिए जब राम मंदिर बन रहा है। देखिए मैं कह तो रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, क्योंकि देश में संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले हम लोग हैं, देश के संविधान और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सभी जात धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं जी। उन्होंने, आपने देखा, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, भव्य मंदिर बन रहा है। इकबाल अंसारी भी यही कह रहे हैं कि देखो हम लोग, वो भी आपने देखा होगा किस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉब्लम क्या है, कोर्ट में भी लड़ रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को है, सभी राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही, नहीं विपक्ष स्वागत नहीं कर रहा है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, अरे भैया विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है, जो कह रहा है आप ही कह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है मुद्दा है ये हमारे लिए राम नहीं। इनको मौका, मैं आपको बताता हूँ इनको मौका क्यों मिलता है, जब सीधा सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव से, भाई आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो कह सकते हैं हाँ मैं जाऊंगा, वो कहते हैं जब राम बुलाएंगे तब जाऊंगा, जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। तो बिल्कुल जाते हैं हम लोग, सभी लोग जाते हैं जब प्रभु राम बुलाते हैं, प्रभु राम का दर्शन करते हैं। जब आपने देखा होगा हर धाम में, चाहे आप देखो वैष्णो देवी जी बुलाती हैं तो नागर साहब में आता हूं, हमारी चीज़ आता हूं। जब मैं, मेरी बात सुनिए, जहां पे आप देखो सोमनाथ मंदिर में बुलाया गया था, बुलावा आया था, तो अखिलेश यादव जी गए थे सोमनाथ मंदिर, जब उनको बुलावा जहां जहां आता है प्रभु तो खुद ही बुलाते हैं। जरा बंसल जी आपको उत्तर देना चाह रहे हैं, मैं त्रिपाठी जी सब लोगों का एक एक हम लोग चर्चा में शामिल कर ले फिर बात करेंगे आगे जी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है विपक्ष को, क्यों इसको मुद्दा बना रहा है, मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी पक्ष के नाम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। बंसल जी सुन लिया आपने? सौरभ जी बिल्कुल मैंने सुना, अच्छी तरह से सुना। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए वास्तव में अब तो राम घर घर आ गए हैं, अब राम अयोध्या में ही नहीं आए हैं बल्कि अब प्रत्येक घर में पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि ये जो दीपावली, जो सुपर दिवाली होने वाली है 22 तारीख को, वो अभूतपूर्व, अप्रतिम और अप्रत्याशित होगी। आप देखिए कि ये सब राजनीति छोड़ दिए ना, आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, मेरे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे सबको, और ये विरोध करना छोड़िए। मुझे दुख तब होता है सौरभ जी, जबकि जिसका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, जिनका नाम गंगाराम नहीं बोलेंगे जय श्री राम। आप देखिए कि जिन लोगों का नाम गंगाराम था वो अब ठीक है कि भाई अब कुछ बन गए, कांग्रेस के जो चेयरमैन बन गए किसी उसके विंग के, तो अब वो राम से द्रोह करने लग गए। क्या कभी पिताजी माताजी ने उनको सोचा था कि इनके, जिनका नाम मैं सीताराम रख रहा हूँ, वो राम जी की तरफ रुख नहीं करेगा ये? लेकिन देखिए राजनीति का जो विकृत चेहरा है ना, ये सामने आता है। मैं कहता हूँ जिनको निमंत्रण जा रहा है वो तो सौभाग्यशाली हैं, उनको तो ये कहना चाहिए आप सिर माथे लगा करके, भैया मैं तो जरूर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी कह रहे हैं कि नहीं जी। तो ये क्या है आखिरकार, ये विपक्ष है, ये राजनीतिक विपक्ष है या धार्मिक विपक्ष है, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार। और राम किस संप्रदाय के हैं कोई बताए, क्या कोई किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं? अगर राम नहीं, राम राष्ट्र हैं, जैसे कि इन्होंने भी बोला। देखिए ये व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि आखिरकार अनुराग जी का जो अनुराग है वो अपनी पार्टी के साथ है, लेकिन राम के, रामद्रोही भी नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ मिलकर के इनको उस तरह की टोन बोलनी पड़ती है, ये नहीं बोलेंगे आखिरकार। मैं ये बताइए कि आखिरकार अभी तक उत्तर प्रदेश के इतने सारे मुख्यमंत्री हुए, क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो क्या क्या इनका मुख्यमंत्री कभी कोई अयोध्या क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो, मुझे बताइए ना, नहीं अयोध्या गए क्या आप, बताइए ना। अच्छा ठीक, करने वाले लोग आपने कभी अयोध्या के दर्शन किए? राम राम बोला शक हो रहा है, प्रभु राम को नहीं मानते, जाना चाहते बार बार प्रभु राम का प्रधानमंत्री आज तक अयोध्या नहीं गया, आज इतना बड़ा रोड शो हुआ। ठीक है ठीक, अच्छा अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी ठीक है, बंसल साहब कह रहे हैं जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने कभी विरोध नहीं किया, वो बताएं कि कब ये भगवान राम के दर्शन अयोध्या करने के लिए गए? अखिलेश यादव कभी गए क्या? मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री हुए वो कभी गए क्या? क्योंकि उसमें सबको राजनीति दिखती थी, नफा नुकसान दिखता था। नागर साहब और वारिस पठान जी को चर्चा में ला रहा हूं मैं, नागर साहब क्या अब आपको लगता है कि बीजेपी इस पर कोई राजनीति कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या कुछ गलत है? देखिए सौरभ जी, अगर राजनीतिक पार्टियों से और राजनीतिक व्यक्तियों से कोई ये पूछे कि इसमें राजनीति कर रही है, या कोई भी नेता ये बयान दे इस पर राजनीति हो रही है, अरे राजनीति 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 वाले राजनीति नहीं करेंगे,
तो क्या घास खोदेंगे? ऐसा बोलते ही क्यों है? जो ये सोचते हैं राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई तुम भी राजनीति कर लो। जहां तक हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं, ये बिल्कुल परंपरागत या बिल्कुल एकाधिकार अगर ये मानते हैं कि जय श्री राम इन्हीं के हैं या हिंदू यही हैं, तो इन्होंने ही कौन से अकेले ठेका ले रखा है? अगर इनके हैं तो इनसे पहले हमारे भी हैं। और जहां तक इस मंदिर की बात है, कितने दिनों के बाद, लेकिन बोलते नहीं दिनों की लड़ाई, की लड़ाइयों, प्लीज क्या जी, मैं कह रहा हूं कितने दशकों के बाद राम जी की जय, भगवान राम की जय। आपस में जब बात करते हैं तो राम राम जी बोलते हैं सब। ये अकेले किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक आदमी के नहीं है। कितने दशकों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर वो दिन आया है और पूरा देश आज देख रहा है कि जिस पे विवाद होते थे, जिस पे गंदगी भरी हुई राजनीति होती थी, जिस पे लोगों की मौतें तक हुई हैं, वो मुद्दा सुलझ के साफ हो गया है और आज पूरे देश में खुशी है और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से सबको एकजुट होना चाहिए। जो मैं सौरभ जी देख रहा हूँ कि आप भी कई बार पूछ रहे हैं, कई आगे पीछे हमसे भी बातचीत हुई है कई डिबेट में, कि बुलावा, ये बुलावा दे कौन रहा है? बीजेपी दे रही है क्या? क्या ट्रस्ट दे रहा है? अच्छा, उस ट्रस्ट को जो ट्रस्ट दे रहा है उसमें ट्रस्टी कौन है? इसमें यह जाना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया कि यहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो पहले जहाँ पे मस्जिद थी उसके नीचे, तो मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ और देश पूरा देख रहा है। 1976 में एक नौजवान लड़का जो अभी बुजुर्ग की स्थिति में है बिल्कुल, ये मोहम्मद के अहमद की रिपोर्ट थी, सर्वेयर थे पुनारत्व विभाग के, कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे जो अवशेष हैं उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो उसमें जो पूरा उन्होंने ये भी कहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पूरा तरीके से सबमिट है डॉक्यूमेंट, ये गुजर प्रतिहाराज ने मंदिर बनाया, 300 साल राज रहा उनका, तो क्या उस ट्रस्ट में एक भी आदमी पिछड़े समाज का लिया है जो बुला रहे हैं? और अगर बीजेपी वाले बुला रहे हैं तो क्या ये बीजेपी? अब आपने ट्रस्ट के नाम पर इस पूरे मामले में जाति का जाति दाखिल कर दी नागर साहब। अच्छा एक मिनट, अभी तक तो देखिए इसमें धर्म की बात होती थी, आप इसमें जाति भी लिया है। मैं ये कह रहा हूँ जो बुलाने वाले लोग हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, सौरभ जी देखना पड़ेगा ट्रस्टी कौन है। अच्छा सर देखिए, ट्रस्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट के देखरेख में मंदिर भी बन गया। छोड़े इन बातों को, आप न्योता ट्रस्ट दे रहा है, मोटी बात, न्योता ट्रस्ट दे रहा, कोई पार्टी नहीं। सुन लो ना बात। हाँ जी, तो ट्रस्ट दे रहा, तो सबके सामने आना चाहिए कि जिन्होंने मंदिर बनवाया, क्या उन पिछड़ी 60% जातियों में से ट्रस्टी एक भी पिछड़े समाज का है? चलिए ये मेरा आज का विषय नहीं है। आप अगर ये पूछते कि भाई ट्रस्ट ये कैसे तय कर रहा है कि किसको न्योता देना है और किसको नहीं देना, तो इस पर तो हम लोग बात कर सकते थे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं हमको इन्वाइट नहीं किया। एक बार जरा बारिश पठान जी, नागर साहब प्लीज एक सेकंड, बारिश पठान, आपने कहा सब स्वागत कर प्रधानमंत्री, खत्म करने दो प्लीज, प्लीज खत्म करने दो सौरभ जी, प्लीज खत्म करने दो। आपका एक सेट एजेंडा है, उस एजेंडा से अगर एनक्रोचमेंट का, अभी आपने कहा था नागर जी, मैं कह रहा हूं अभी आपने कहा था कि ये सैकड़ों वर्षों का विवाद खत्म हुआ, वहां मंदिर बन रहा है, सुलझ गया मामला। अब आप इसमें जाति का एंगल डाल करके इसमें नई कंट्रोवर्सी डाल रहे हो कि भाई ट्रस्ट में कौन सी जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे कि नहीं थे। मैं जाति का नहीं डाल रहा, मैं ये जाति का नहीं डाल रहा हूं मैं, वो पिछले जो ट्रस्टी हैं और जिस वजह से ये मंदिर यहाँ बन रहा है और जिसकी रिपोर्ट पे मोहम्मद के अहमद की जो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से उस रिपोर्ट के निकलवाओ, पढ़ो, फिर टेलीविजन पे बैठो, आ जाते हैं कुछ के कुछ बोलते रहते हैं बैठ करके यहाँ पे सबके सब। के मोहम्मद एएसआई के अफसर थे, केरल के थे मेरे ख्याल से, उन्होंने सारी रिपोर्ट दी थी, जानते हैं उनके बारे में हम लोग भी। अब आप कह रहे हो कि कौन से कि गुर्जर, कोई गुर्जर राजा थे, उन्होंने मंदिर बनाया था, मुमकिन है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो आज ये बात कर रहा था, आज मंदिर बन के तैयार है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसका 2024 के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बात नहीं कर रहा हूँ जी, देश की 60% जनता की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, उत्तर देंगे आपको वो, मैं वारिस जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहता हूँ। वारिस जी, अभी आप ही चर्चा में बताया गया कि जो इकबाल अंसारी थे, जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के, वो तक फूल बरसा रहे हैं। आप 22 जनवरी के दिन को कैसे देखते हैं? सौरभ जी, सर एक सेकंड जरा, वारिस जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज, सब लोग आपके बीच में ही हैं। देखिए, देखिए सौरभ भाई, सबसे पहले मैं दो लाइन बोल के बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लिए अपनी बात शुरू करूंगा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे ये लोग,
देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, भगवान राम का नाम अपनी ओछी सियासत के लिए बदनाम ना करो। आप देखिए बीजेपी ने एक रिलीजियस चीज को पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना के रख दिया है, खुद के सियासती फायदे के लिए। आज मोदी जी भी बोले 22 तारीख को अभी सब अपने अपने घर में दीपक जलाइए, तो ये तो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल इवेंट हो गया ये तो। इसमें विश्व हिंदू परिषद बीजेपी मिलकर देश को बेवकूफ़ बना रहे, गुमराह कर रहे। मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, सौरव भाई वारिस भाई नौटंकी चल रहा है वहाँ पे, नौटंकी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो एक अच्छा कार्य था हमारे लिए, तो उसको तो लोगों ने ये कर दिया। अब रहा सवाल दूसरा हमारी बात, तो हमारा तो पहले दिन से साफ बात है, आज भी साफ बात है कि हम तो मरते मर जाएंगे मगर वहां पर तो नहीं जाएंगे। सौरभ भाई सोचिए, सौरभ भाई कि आपका एक घर एक आशियाना था आपका, किसी ने उसको धोखे से उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, आप देखते रह गए और उसी जगह के ऊपर आज कोई जाकर वहां पर धूमधड़ाम से अपना घर बना रहा है। आप देख रहे हो वहां पर रोशनी हो रही है, आपके घर में अंधेरा है, तो आपके दिल पर क्या फील होगा? वही हमारा दिल तो आहत है, हमको तो आहत है कि 6 दिसंबर 1992 के दिन धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और मुझे यकीन है अगर भगवान राम होते तो वो कभी ये नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद तोड़कर, किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर, किसी की आस्था को कुचलकर वहां पर उनके नाम का कोई मंदिर बनाए, वो कभी नहीं चाहते। मगर बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट विकास के मुद्दे बचे नहीं है, और इसीलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबसे बड़ा जुमला बन के रह गया है देश के सामने। ये कैसी तरह आप सबका विश्वास हासिल करेंगे? अरे किसी ने फूल बरसा देने से क्या होता है? मतलब आप आज भी राम मंदिर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? 22 देखिए हकीकत को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान राम का मंदिर साफ बोलना है। सौरभ भाई 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा। देखिए मेरा ईमान मेरा यकीन है कि एक मर्तबा जहाँ मस्जिद थी वह मस्जिद है, ता कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद के ऊपर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है अपने फैसले में 1040 कि हमको कोई प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, चलिए आपने दोनों बातें कह दी, हम उसे हमें मस्जिद ही चाहिए, हम मस्जिद को ही मानते हैं और इसको पॉलिटिकल इवेंट भाजपा ने बनाया। दोनों लोग जवाब देंगे आपको। नहीं माना, चलो मणि त्रिपाठी पहले हुआ है ना फैसला बाबरी के लिए। त्रिपाठी जी पहले 10 सेकंड। सौरभ भाई देखिए यही पर अच्छा चलिए 10 सेकंड शलभ जी 10 सेकंड मांग रहे हो, बोलिए। मैं तो मेरी बात तो सुन लो सर, बोलिए। 10 सेकंड सुनिए शलभ भाई यकीन बोली, से बोली, मुझे बोली। आप तो एमएलए भी हो, अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां ऐसी के ऐसी खड़ी होती तो यकीन है आपको भी हमको सबको पता है कि फैसला अलग होता। अरे टाइटल बाबरी साइड होना था यार, अब रास्ता की बुनियाद के ऊपर नहीं मिलने वाला, बेकार के आंसू घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलने वाला। खोल दिए फिर अचानक से मियां घड़ियाली आंसू मत बहाइए, अब राम जी की तरफ लौट आइए। सुनो भाई बंसल, अयोध्या की तरफ मुंह करिए, किसी के घर के बोलिए कल्याण हो जाएगा। अभी भी बनाओ भगवान राम कभी नहीं चाहते थे कि तुम दूसरे के घर में अंधेरा करके। आप ये देख रहे हैं जैसे वारिस पठान है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको याद आ रहा है, आज भी उनको बाबरी मस्जिद ही वहां पर दिखाई दे रही है। अब सर एक एक करके जवाब, चलो मणि त्रिपाठी जी पहले, बंसल जी इनके बाद आप उत्तर दीजिएगा। त्रिपाठी जी देखिए अभी जब ये डिबेट शुरू हुई थी सौरभ भाई तो मैंने कहा था कि कुछ रामद्रोही बोलने दीजिए, वारिस भाई सुन लीजिए अभी मैंने सौरभ भाई कहा था ना कुछ रामद्रोही, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने डिबेट में ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि राम द्रोहियों के चेहरे एक एक करके सामने आने लगे। अब वारिस पठान साहब ये कह रहे नहीं साहब हम तो मस्जिद मानते थे, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, और मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब कि अब वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है आप मलूक नागर साहब नहीं दे सकते। सांसद लिख लेने से कुछ नहीं होता, पढ़ लिख के फर्जी बातें करने की नहीं, हाँ बड़े पढ़े लिखे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी ही देगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है किस प्रकार से ये मंदिर 550 साल बाद आज बनने जा रहा है, किस प्रकार से न्याय मिल रहा। अभी कह रहे थे किसको कौन सी जाति, अरे कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए, आपसे वो अपेक्षा की जाती है क्या आप पढ़ लिख के आएंगे? जाके जरा वासुदेवानंद सरस्वती जी की जाति पता कर लीजिए, जाके जो कामेश्वर चौपाल जी हैं दलित समाज से आते हैं, आप लोगों को झूठ बोलते हैं समाज को बांटते हुए, आपको शर्म नहीं आती किस प्रकार समाज को बांटते हैं? और मैं तो कह रहा हूं वारिस भाई आपको कह रहा हूं वहां मंदिर था मंदिर है और आने वाले हजार लाखों साल तक मंदिर रहेगा। भारत के संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान ने स्थापित कर दिया है, लेकिन आप संविधान को कितना मानते हैं ये पूरा देश देख रहा है।
ये जो सौरभ जी का जो चैनल है ना, ये जो डिबेट है, ये पूरा देश देखता है। आप किस प्रकार से बाबा साहब के संविधान का अखौल उठाते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। चलो बताओ सलम मनी त्रिपाठी, क्या बुनियाद को तोड़ के मस्जिद जी मुझे ब्रेक का भी वक्त हो गया, इनकी बात खत्म हो जाए फिर आगे आते हैं। पांच सेकंड सौरभ भाई, 5 सेकंड वारिस भाई, आप चिंता मत करिए। पिछली बार आक्रांताओं ने आके धोखे से हमारे मंदिर को नुकसान पहुंचाया, इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, आप चिंता मत कीजिए। हजार लाखों साल तक ये मंदिर रहेगा, इसका वजूद रहेगा, और भगवान राम के जो भक्त हैं वो बड़ी खुशी के साथ आएंगे, बड़े खुशी के साथ भगवान राम का दर्शन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ मुकाबला में ले लें, आपने सबकी बातें सुनी भदौरिया साहब, एक ब्रेक के बाद मैं लौट पाऊंगा। वारिस पठान के लिए वो आज भी बाबरी मस्जिद ही है। नागर साहब हमारे साथ हैं, वो पूछ रहे हैं ट्रस्ट में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, पिछड़ी जातियों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब भी आपने सुन लिया। मंजल जी कह रहे हैं कि आखिर अब तो राम का मंदिर बनने के बाद इस पर विवाद बंद कर दें। एक ब्रेक का वक्त हो गया मुकाबला में, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हमारे साथ मेहमान बने आज के मुकाबला में, प्रधानमंत्री अयोध्या में थे और उन्होंने कहा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे देश में राम के नाम का दीपक जले, दिवाली जैसी जगमगाहट होनी चाहिए। हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं सबकी बात एक एक करके शॉर्ट में बता दूं ताकि चर्चा आगे बढ़ाने में हमें सुविधा हो। नागर साहब ने यह कहा, जो सांसद बसपा के हमारे साथ हैं, जो ट्रस्ट न्योता दे रहा है, पहले तो ये पता लगे न्योता ट्रस्ट दे रहा है कि भाजपा दे रही है, ट्रस्ट दे रहा है तो उसमें आखिर पिछड़े समाज के कितने लोगों को शामिल किया गया, क्योंकि कुछ को न्योता मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। भदौरिया साहब ने समाजवादी पार्टी से ये कहा कि विपक्ष को बदनाम करना बंद कर दें, इस मुद्दे पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, भगवान राम का सम्मान श्रद्धा सबकी बराबर है और उनके मंदिर का स्वागत भी है। वारिस पठान कह रहे हैं कि हमारे लिए वहां मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, हमें बाबरी मस्जिद ही दिखाई देती है। एक जवाब विनोद बंसल जी का, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। बंसल जी जी, सौरभ जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं लेकिन वास्तव में आपकी डिबेट में ये क्लियर हो गया कि वो विद्वान उतने नहीं है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य है, दुख हुआ इस बात को जान करके, एक सांसद भी इस बात से अनभिज्ञ है कि आखिरकार ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन कौन है, और वो जो ट्रस्टी हैं वो ज़्यादातर उसमें पूज्य महंत और संत हैं, उनकी जातियाँ देखने वाले हैं, अभी भी जातियाँ देखोगे, और वो पार्टियाँ जाती देखेगी जो कि कहती है तो दलितों के मसीहा हैं, और है तो वैसे देश की सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा धनाढ्य पॉलिटिकल पार्टी। आप देखिए कि अभी अभी जो बीच में सर्वे आया था वो कह रहे थे कि भाई रीजनल राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा पैसा बसपा के पास है, और जबकि दलितों के कल्याण के लिए एक नया पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने, बात दलितों की करते हैं, समझ में नहीं आता। खैर चलो, रामत्व की तरफ लौटे, मैं तो ये कहूँगा भगवान राम के मंदिर बन रहा है, अब सबको एक साथ करना है, ये सब जातिगत भेदभाव समीकरण सब खत्म होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कोई भी भारत का हिंदू जो है ये गणना नहीं करेगा कि ये जातिगत आधार पर ये कौन है कि वो कौन है। ये जो राम है ना, राम एक यूनिफाइंग फोर्स है जी, और ये राम से जितना जो लोग दूर भागेंगे ना उतना ही जो है वो उनकी दूरी बन जाएगी समाज। वारिस जी की जो शिकायत है, जो देखिए ये इतिहास भी इस बात का साक्षी है सौरभ जी, कि जिसने जिसने राम को अपनाया वही राम का हो गया, और जिसने राम को छोड़ा राम ने उसको छोड़ दिया। तो अब मुझे लगता है कम से कम अब ऐसा ना करें, जो पाप हो गए कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित करें, राम जी के साथ लौट आए, उसी में भलाई है। नहीं नहीं, वारिस पठान कह रहे हैं प्रायश्चित आपको करना चाहिए, वहां मस्जिद खड़ी होती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला भी नहीं देता मंदिर का। सौरभ जी बात यह है कि देखिए जो लोग बाबर के साथ थे वो बाबर चला गया, जो बाबरी के साथ थे वो धूल दूसरे तो चुकी, अभी बाबरवादी मानसिकता को भी देश से विदा करना है, अब इनका अंतिम समय निश्चित है। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ समय की बात और है, ये राम राम बोलेंगे और बाबरी को भूल जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि जल्दी भूल जाएं तो अच्छा है। देखिए देश के साथ अगर आपको चलना है, देश की मर्यादाओं के साथ चलना है, देश के स्वाभिमान और संस्कृति के साथ चलना है, तो निश्चित रूप से आपको राम के साथ चलना पड़ेगा, बाबर के साथ बाबरी के साथ नहीं चलना पड़ेगा। वारिस पठान को भी राम के साथ ही खत्म करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, जरा नागर साहब का जवाब, आपने भी उनके लिए कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, भदौरिया जी मैं आ रहा हूँ, भदौरिया जी मैं आऊंगा, इनका दोनों दो लोगों ने नाम लेकर के इनका उल्लेख किया है, क्या सब अपनी अपनी बात कह लें, मैं अनुराग जी आता हूं, इनकी बात सुन के मैं अच्छी रहेगी, आता हूं मैं, आता हूं नागर जी जी। देखिए एक तो मैं पूरी तरह फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा था, पूरा दिल से हम स्वागत करते हैं, ये राम इनका ही नहीं है, हमारा भी है, इनसे पहले हमारा है, आपस में हम राम राम जी करके बात करते हैं,
जो त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता है, क्यों नहीं है? बंसल साहब बीएसपी के हैं, सर बोलने दो ना प्लीज, बोलने दो। अब देखिए रोज जब कांग्रेस के बात आती है और कुछ चीजें वास्तविकता पे जाके हम बात करते हैं और कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं और इनके फेवर में जाती है तो तारीफ करते हैं। आज अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जो पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, और जो के अहमद की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जो आधार बनी है मंदिर के लिए, उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, एक ही बात कह रहा हूँ। त्रिपाठी जी गलत नहीं है, और बंसल साहब सत्रहवीं लोकसभा का बोलने दो, प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने दो, बोलने दीजिए बंसल जी। बंसल साहब और त्रिपाठी जी, 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट रेज करने वाला एमपी आपके साथ बैठा है, और जो मैं मुद्दा आपके टेलीविजन पर उठा रहा हूँ ये मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया। जब देश के प्रधानमंत्री सदन में आके लोकसभा में ये कहते हैं मैंने इतने पिछड़े और इतने दलित मिनिस्टर बनाए, और अगर आज जिन लोगों ने मंदिर बनाया ट्रस्ट में पिछड़ों में से भी एक रख लेते तो चिड़ो मत यार, बिल्कुल गुस्से में मत आओ, और जो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। नेशनल है नहीं क्या? बताओ है कौन नहीं है? आप लोगों की छवि बहुत अच्छी है, कांग्रेसियों की तरह मत हो, सुनो बताओ ना, कांग्रेसियों की तरह मत हो, कांग्रेसियों की तरह मत हो। अच्छा एक सेकंड नागर साहब एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब दोनों लोगों ने नाम लेकर के दिया, एक सेकंड सुनिए तो। शलभ मणि त्रिपाठी ने नाम बताया, कामेश्वर चौपाल का नाम दिया, दलित है वो। जब आप लोग ठीक है, आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ, कोई नहीं टोक रहा, वो कह रहे हैं जवाब आपको दिया जा चुका है, ट्रस्ट के अंदर पिछड़े समाज से जो लोग हैं उनके नाम बताए गए। जी जी मैं कह रहा हूँ जो पिछड़े समाज में जो गुर्जर प्रतिहार थे, तो गुर्जर मुझे तो एक भी दिखता नहीं है कोई भी। आप जो मैं कह रहा हूँ मेरी, प्लीज मेरी बात खत्म करने दो। आप लोगों को चिढ़ना नहीं चाहिए देश की तरक्की के लिए, और आगे माहौल को देश को बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम और हमारी पार्टी देश के लिए काम करती है। हम पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, सीबीआई से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, इनकम टैक्स से डरते हैं, डर गए, ये हो गया बीटी में भाजपा, हम वहां भी परवाह नहीं करते कांग्रेस की, पर आज हम यहाँ भी परवाह नहीं कर रहे आपकी, हम केवल अपनी बात को रख रहे हैं। अच्छा ठीक है नागर साहब, हो गया आपका, एक छोटा सा जवाब आपको दे रहे मलुक नागर साहब, आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन देखिए आपकी जो बांटने का प्रयास था ना ये खत्म हो चुका। अब क्या है ना कि कोई किसी अगड़े से पूछता है कौन सी जाति के, वो कहता मैं हिंदू हूँ, किसी पिछड़े से पूछता है कौन सी जाति से, वो कहता मैं हिंदू हूँ, किसी जाट गुज्जर से पूछता है आप कौन सी जाति से, वो कहता है हिंदू, और इसी का परिणाम है कि आज देश में 550 साल बाद ये मंदिर बनने जा रहा है। आप कामेश्वर चौपाल जी की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? वो दलित समाज स्वागत करते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी की चर्चा बीच में टोकिए मत, टोकिए मत, तो टोकिए मत मलुक साहब, आप दूसरे को जवाब दे बोल रहे थे टोक रोकने के, आप टोकिए मत। आप वासुदेवानंद सरस्वती जी की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप जो है महंत दास जी की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? किसको भड़काना चाहते हैं आप? इस देश के लोगों को भड़का नहीं पाएंगे, इस देश के लोग एक हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपके भड़काने का परिणाम क्या हुआ। एक सेकंड सौरभ भाई, आपके भड़काने का परिणाम ये हुआ कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और जाट और गुज्जर मारे जा रहे थे, समाज के जाट भाई और गुज्जर भाई मारे जा रहे थे, तब बहुजन समाज पार्टी खड़े होके जो दंगाई थे उनके पक्ष में खड़ी थी कि साहब इनके साथ अत्याचार मत करो, तुष्टिकरण कर रही थी, तमाम जो तुष्टिकरणपंथी ताकतें थी, चरमपंथी ताकतें, झूठे बात आपकी, ये झूठे बात आपकी, आपकी आपकी जानकारी में नहीं है वो क्षेत्र, मेरी लोकसभा में कमाल, वहां के मुसलमानों से जाके पूछो वो कितना प्यार करते हैं, गलत बात है एकदम आपकी ये बात, वहां के हिंदुओं से पूछो कितना प्यार करते हैं हमें, उन्होंने चुनाव जिताया हमें, आप कट्टरपंथियों के साथ ठीक है। विषांतर हो जाएगा, ठीक है दूसरे विषय पर हमको नहीं जाना है। भदौरिया साहब बोले और उसके बाद जवाब देंगे विनोद बंसल को, बारिश पठान, भदौरिया जी। आपने धीरे धीरे देखिए प्रभु राम की बात हो रही थी, कितनी अच्छी चर्चा हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता दंगे में चले गए, सोचो प्रभु राम के नाम पे भी यार राजनीति अच्छी चीज नहीं है। नफरत की बात आज के दिन कर रहे हो आप, जहां प्रभु राम की बात करो वहां नफरत की तो बात होनी नहीं चाहिए। प्रभु राम तो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो आपको याद दिलाते हैं शंकराचार्य, अभी मुकेशानंद जी ने क्या बोला था पता ही होगा आपको, उन्होंने क्या बोला था, जिसपे राजनीति हो रही है उसपे राजनीति हो रही है, तो कम से कम शंकराचार्य जी जब ये बात कहते हैं तब तो मान जाओ ना। हम कहते हैं मेरी बात मत मानो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस पे राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म सबके आस्था का विषय है। आपने बोला कि नहीं नहीं हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते, अगर आप संविधान को मानते हैं तो
तो आप ये बता दीजिए फिर, आप संविधान के साथ साथ आप संविधान में कहीं बातों को क्यों नहीं मानते? तो संविधान में तो लोकतंत्र आता है, विपक्ष भी आता है, तो विपक्ष पे आप हमलावर क्यों होते हो? विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने से क्यों रोकते हो आप? 146 संसदों का निलंबन क्यों कर देते हो आप? ये आप राम मंदिर से वो अलग विषय है, बड़ा विषय है, लेकिन अलग विषय है ना भदौरिया जी। मैंने नहीं बोला, मैं प्रभु राम की बात कर रहा था, ये संविधान पे गए, ये उस पे गए, इसलिए संविधान याद दिला रहा हूं कि जब प्रभु राम का आचरण को तो आप अपनाते नहीं। प्रभु राम तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे, समाज में हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, और महिलाओं को यहाँ घसीटा जाता है, जो मेडल जीत के आती तब तो आप नहीं खड़े होते बोलने के लिए, नहीं प्रभु राम की बच्चियां हैं, इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप आके खड़े होते तो आज मैं कह रहा होता कि नहीं, सलमान नितिन त्रिपाठी राजनीति नहीं करते, प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, तो ये आके खड़े थे वहां पे, तब तो आप में से कोई नहीं खड़ा हुआ। विपक्ष के लोगों को जाना चाहिए 22 तारीख को अयोध्या या नहीं? भदौरिया साहब इतना बताइए, बोले तो दीजिए आप, इतना बोले दिया तो मुझे 10 सेकंड बोलिए। प्रभु राम के बच्चे किसान, वो किस देश के लिए अन्नदाता? प्रभु राम तो हमेशा उनका सम्मान करते थे समाज के अंदर में, क्योंकि अन्नदाता है वो, तो हर वर्ग का सम्मान करते थे, लेकिन आपने उनके रास्ते में कील काटी बिछाए, उनको आपने किस तरह से किसानों की मौत हुई। अच्छा ठीक है भदौरिया साहब, मुझे इतना बता दीजिए, विपक्ष के लोगों को जाना चाहिए कि नहीं 22 तारीख को? देखिए विपक्ष के लोग प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कौन होती बुलाने वाली, भारतीय जनता पार्टी बुलाने वाली। अरे भाई, एक कार्यक्रम हो रहा है भदौरिया साहब, कोई तो न्योता देगा ना उसका? हमने यहाँ इतनी बात कर ली कि ट्रस्ट न्योता भेज रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की ठेकेदार नहीं है, सुन लीजिए। फिर भाजपा की बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट न्योता दे रहा है, उस न्योते को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, इतनी सी बात है। मैं बोलता रहा हूँ प्रभु राम बुलाएंगे, सभी जाएंगे, बीजेपी कौन होगी? फिर वही गोल मोल बात, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। बीजेपी सनातन धर्म से तो बड़ी नहीं होगी। अरे चलिए ठीक है, वारिस पठान, जिनको अभी कहा गया बाबरवादी, इनको भी राम को याद करना पड़ेगा। वारिस पठान, प्लीज अपने अपने टर्म में बोले। वारिस पठान, नहीं नहीं देखो, देखिए सौरभ भाई, नाम याद कर रहे हैं क्योंकि इनके पास तो कोई डेवलपमेंट विकास के मुद्दे बचे नहीं है। ये लोगों की तो जितनी गारंटियां थी सब तो फेल हो गई ना। 15 लाख रुपया जमा होगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, हर चीज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इतने को घर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी को घर भी नहीं मिले। ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आज अयोध्या में ही प्रधानमंत्री एक आदमी के घर गए, शौचालय दिया। आज ही उसी पे आ रहा हूँ 2 से लेकर 350 पर पहुंच गए राम का नाम लेकर, राम जी के नाम के ऊपर ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट में कितना बड़ा घपला कर दिया लोग ने, आपको पता है ना, ओवरनाइट 1-1 करोड़ रुपया जमीन के ऊपर पड़ रहा था ओवरनाइट। मेरे वही तो नॉन मुस्लिम दोस्त बोल रहे हैं, वारिस भाई देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये बीजेपी वाले विश्व हिंदू परिषद वालों के बारे में वो लोग बोल रहे हैं। आप देखिए, प्रेसिडेंट को बुलाया है या नहीं, उपराष्ट्रपति को बुलाया है या नहीं, ये भी पता नहीं है हमको, क्योंकि अभी बात चली तो मैं सवाल कर रहा हूँ ये, क्योंकि हमारी उपराष्ट्रपति मुर्मू जी को तो इन्होंने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के इसमें भी नहीं बुलाया था, क्योंकि ये तो पूरा के पूरा मोदी इवेंट है ना। इस पूरे इवेंट के लिए भगवान राम का नाम यूज कर रहे हैं लोग, बाकी हीरो तो बनाना इनको मोदी को। आज देखो सेल्फी पॉइंट 6.25 लाख का बन गया, अभी एयरपोर्ट बन गया, मोदी जी इनॉग्रेशन कर दिए, अब चले जाएंगे 22 तारीख को। जिस तरह कोविड के काल के अंदर सबको थालियां बजवा दी थी, अब बोल रहे हैं कि सीधा सीधा सबको बत्ती जलाना है। अरे दूसरे के घर में अंधेरा करके खुद के घर में बत्ती जलाओगे? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? इसीलिए मैं आज फिर बोल रहा हूँ, हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, और आज आप वहां पर बना रहे हो राम मंदिर। भगवान राम कभी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, क्योंकि वो अगर होते तो वाकई में बोलते कि मत करो ये काम, किसी की मस्जिद को शहीद करके मत बनाओ मेरे लिए वहां पे इतना बड़ा मंदिर, और मत चलो अपनी पुरानी गंदी सियासत, मत चलाओ अपनी गंदी सियासत, ये बोलते हैं भगवान राम। छोड़ दो इन बातों को। अरे बाबरी चलेगा? तुमने तो भी संविधान का धजिया उड़ाया, तुम संविधान की बात ही मत करो। तुमने अभी कहा जिसको देश में रहना ये कहना होगा, कहाँ लिखा है संविधान में? संविधान का आर्टिकल 25 क्या है आपको नहीं पता? 27 क्या है आपको नहीं पता? अरे विश्व हिंदू परिषद पहले बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को मानो, गोवल करके संविधान की बात नहीं चल रही है, कोर्ट नहीं मिलने वाला, हेडगे वार के संविधान की बात नहीं करो, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान। एक मिनट, शलभ मणि त्रिपाठी जवाब देंगे वारिस पठान को। उन्होंने कहा भगवान राम से मतलब नहीं है आपको, मोदी को हीरो बनाना है, चिल्लाते ऐसी। एक सेकंड, जवाब। सौरभ भाई, बार बार वारिस पठान साहब ने शब्द का प्रयोग किया, बत्ती जल रही है, तो बत्ती तो कहीं जल रही है, दिल कहीं जल रहा है, लेकिन जलेगी वारिस साहब, जरूर जलेगा, और ज्योति जरूर जलेगी। बोलने दीजिए अनुराग, बोलने दीजिए, ऐसे मत कीजिए,
ये तो चाहते हैं कि ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट अनुराग जी, अनुराग इनका जवाब आ जाए ना फिर मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इनको तकलीफ है, विपक्ष प्रोग्राम के साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि इनको एजेंडा नहीं मिल पा रहा है, इनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। एक सेकंड मधुरे जी, मैं आ जाऊंगा, एक बार जवाब दे दे अपना, मैं आ जाऊंगा फिर। एक प्रोग्राम को तो विपक्ष त्रिपाठी जी की आवाज है, और भाई 15 सेकंड दीजिए। सर भाई देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो तीन घटनाएं याद दिलाता हूँ। जो लोग आज बार बार भगवान राम का नाम ले रहे हैं, वो कौन लोग थे जो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे, उन पर लाठियां चलवा रहे थे, कौन लोग थे सबको पता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पंचकोसी की परिक्रमा को प्रतिबंधित कर दिया कि राम भक्त जाकर पंचकोसी की परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि राम भक्त ये कहते थे कि ठीक है राम मंदिर नहीं बनने दे रहे हो, पर हमें पंचकोसी की परिक्रमा करने दो। बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, साधु संत थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने भगवान राम के जो ऊपर टेंट लगा हुआ था और टेंट फट गया और भगवान राम के भक्तों ने कहा कि टेंट को थोड़ा सिल लेने दीजिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो सीधे पानी उनके सिर पर गिरता है, क्या नहीं टेंट नहीं सिलने देंगे। वो कौन लोग थे जो दीपावली के दिन भी भगवान राम के आंगन में एक दीपक नहीं जलने देते थे। और सबसे आखिरी बात अनुराग भाई, सौरभ भाई, वो कौन लोग थे, जफर याब जिलानी कौन थे? आप कहते हैं भगवान राम आपके हैं, जफर याब जिलानी को सरकारी वकील किसने बनाया? वो जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, कोर्ट के भीतर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, उन जफर याब जिलानी को सरकारी वकील अगर किसी ने बनाया, ठीक है, अनुराग भदौरिया ने बनाया, इनकी पार्टी ने बनाया, फिर ये कहते हैं भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम के भक्त सवाल नहीं पूछेंगे, आपने भगवान राम के साथ ऐसा क्यों किया, उनको फटे हुए टेंट में क्यों रखा? ठीक है त्रिपाठी जी, भदौरिया जी आपकी बातें आ गई आपकी बात। नागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास अंतिम मिनट है। नागर सौरभ जी, जी जी सौरभ जी, एक तो जो हमारे साथी हैं आदरणीय त्रिपाठी जी और अपने बंसल साहब, एक तो जो कबाल गांव का जिक्र करा मुजफ्फरनगर का, वो मेरी लोकसभा में इन लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो मैं एक जानकारी ला रहा हूँ, वो बहुत प्यार से लोग रह रहे हैं, और मैं मुसलमानों ने अच्छा बात तो सुना, खत्म तो करने दो मुझे। मुझे मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने एमपी बनाया, अगड़ों ने भी मुझे वोट दिए हैं, सुनो अगड़ों ने भी मुझे वोट दिए हैं। मैं एक बात यार सुन तो लो, एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो पठान साहब कह बैठे हैं, मुसलमान ज्यादातर मुझसे 90% मुसलमान ये कह रहे हैं कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बन रहा है, अच्छा हो रहा है, शांति हो रही है। ये टेलीविजनों पर आके बहस, जो कुछ लोग कुछ का कुछ बोल देते हैं, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये चर्चाएं और ये लंबी लंबी बहस होनी ही नहीं चाहिए जी। अब आपसे नागर साहब मुसलमान आके कह रहे हैं मंदिर बन रहा, बढ़िया हो रहा है, वारिस पठान कह रहे हैं हमसे हिंदू आकर के कह रहे हैं मंदिर ऐसे बन गया ठीक नहीं हुआ, वारिस पठान सुनो सबको खुशी हो रही है, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। मेरे को भी एमएलए बना था तो मेरे को मुसलमान भाइयों ने भी वोट दिया था, नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया था, दलित समाज के लोगों ने भी वोट दिया है, मगर आज मुझे हिंदू भाई भी बोल रहा है, मुसलमान भाई भी बोल रहा है, दलित समाज का व्यक्ति भी बोल रहा है कि बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, किसी की मस्जिद को इस तरह से शहीद करके वहां पर आप भव्य मंदिर नहीं बना सकते। राम जी भी इसके खिलाफ थे। भदौरिया जी आप वारिस पठान की बात से सहमत है क्या? आपको तो मोदी को हीरो बनाना है, आपको तो 24 की भदौरिया जी क्या ये वारिस पठान जो कह रहे हैं उससे सहमत है आप? देखिए हम समाजवादी लोग हमेशा संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्म और जाति का सम्मान करने वाले सर्वोच्च न्यायालय समाजवादी समाज कंटक पार्टी। चलिए ठीक सर, आज समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। चला मणि त्रिपाठी जी, विनोद बंसल जी, मलूक नागर जी हमारे साथ थे, वारिस पठान जी हमारे साथ थे और अनुराग भदौरिया।